आज हम निकल पड़े हैं दिल्ली से उदयपुर की तरफ। अभी हम बहुत ही गजब भाई, ये है विजय स्तंभ। तो भाई ये हमारा स्टे है आज का उदयपुर में। तो चलिए शुरू करते हैं। और कोथुन करके कोई जगह थी जहाँ से हमने एग्जिट लिया अभी, और अभी ये एनएच कौन सा 23 NH 23 जिसमें हम चल रहे हैं। बीच बीच में ये देखिए ऐसा, बीच बीच में कहीं कहीं तो डिवाइडेड है, कहीं कहीं अनडिवाइडेड भी है। अभी तक फिलहाल हमें डिवाइडेड मिल रहा है, पर फिर अचानक से ये अनडिवाइडेड हो जाता है। जैसे अभी दिखाता हूँ आपको, आगे यहाँ से अभी ये वापस अनडिवाइडेड हो जाता है और सिंगल मतलब डबल लेन हो गया बस, वरना फिर पीछे जाके जहाँ डिवाइडेड है वहाँ फोर लेन होता है। ये थोड़ी सी दिक्कत है बीच बीच में, बाकी तो अपन स्पीड पकड़ रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:54, मतलब 7 बज गया लगभग। अभी हमें कोथुनी कोई जगह उसके आसपास है। अभी हमारा प्लान है शायद चित्तौड़गढ़ जाने का, तो देखते हैं। यहाँ से चित्तौड़गढ़ का हमने मैप लगाया हुआ है जो कि अभी हमें दिखा रहा है 5 घंटा 14 मिनट और लगेगा, और 324 किलोमीटर है। तो भाई हम NH 23 से हम यहाँ पे NH 52 पे आ गए। NH 23 जो था वो अनडिवाइडेड हाईवे था जो कि मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर का था। उसके बाद तो हम NH 52 पे आ गए। ये वाला हाईवे अच्छा है, डिवाइडेड है और फोर लेन है। तो सामने आप देखिए अभी इसमें सड़क भी बन रही है, काम चल रहा है इस वजह से, लेकिन बाकी रोड बढ़िया बन रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 की स्पीड है इस पर, स्पीड लिमिट मस्त, हम भी अपना 90 के आसपास खींचे जा रहे हैं। यहाँ से टोंक है 10 किलोमीटर। हमने अभी जस्ट टोंक शहर को पार किया है, बाईपास ही किया अपने टोंक को, और यहाँ से कोटा आपका 148 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। हमें 2 घंटा लगना चाहिए, 2 से 2.5 घंटा। बाकी एक बार हम ब्रेक भी लेंगे, अभी सुबह हो चुकी है क्योंकि टाइम हो गया आपका 7:44। तो अब कहीं रुक के थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं, 8 बजे तक फिर निकलते हैं अभी चित्तौड़गढ़ की तरफ। अभी तक कोटा ही है, क्या कहते हैं आपका 150 किलोमीटर, फिर वहाँ से 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर और आगे चित्तौड़गढ़ पड़ेगा। वैसे अभी हमारा ETA दिखा रहा है चित्तौड़गढ़ का 12 बजे का, ब्रेक वगैरह लेके जाएंगे तो भाई 1 बजे तक हमें लगता है कि हम पहुंच पाएंगे हाँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट।
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't... इस रास्ते पे हम जा रहे हैं अभी चित्तौड़गढ़ की तरफ। अभी खैर चित्तौड़गढ़ जो है 108 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। इस वाले रास्ते पे हमें दिखा है ये कोई अंदर स्टेट हाईवे 29 है जिसमें हम अभी चल रहे हैं। इसमें यहाँ देखो छोटे छोटे मतलब लेक है, छोटा क्या है तो काफ़ी बड़ा ही लेक, और हाँ लेक्स भी हैं भाई। तो भाई हम स्टेट हाईवे 29 से अब हम NH-27 पे मिल गए हैं। अब ये डायरेक्ट ही सीधा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ भी जाता है। इस पर 93 किलोमीटर हमारे को दिखा रहा है अभी चित्तौड़गढ़ के लिए चलना, और वहाँ से 10 किलोमीटर अंदर चित्तौड़गढ़ का मतलब शहर और वो जो फोर्ट आएगा वो अंदर आएगा, और बाकी इसी रोड पर अगर हम चलते रहेंगे सीधा तो उदयपुर भी आएगा। तो यही NH-27 है, यही अपने को पकड़ते हुए निकलना है। तो ये है कुछ इसका व्यू NH-27 का। रोड ठीक है, फोर लेन है, डिवाइडेड रोड है, और रोड की कंडीशन भी ठीक है। थोड़ा सा वही स्टेट हाईवे जो 29 था वो थोड़ा सा मतलब लास्ट के एक दो चार किलोमीटर ही टूटा हुआ है, बाकी तो ठीक था लेकिन अनडिवाइडेड था। भाई हम चित्तौड़गढ़ पे घुस चुके हैं। ये चित्तौड़गढ़ आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। चलिए भाई फोर्ट चलते हैं चित्तौड़गढ़ के और देखते हैं। तो भाई ऐसा है, हम चित्तौड़गढ़ आ चुके हैं, और ये पीछे मेरे इधर जो है ये रानी पद्मिनी का महल है, और ये पार्किंग एरिया है यहाँ, ठीक है। और मेरे को सामने एक व्यू दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे से मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। हम सोच रहे हैं कि वहाँ तक हमें जाना चाहिए या नहीं, क्या बोलता है, चलें? चलते पक्की गल है। चलिए तो आपको चल के फिर दिखाते हैं क्या सीन है यहाँ से। आ जाओ भाई, नहीं नहीं यहाँ से आ जाओ, थोड़ा देखियो कांटे वाटे हैं। चढ़ जा भाई, आओ भाई देखें यहाँ से क्या व्यू आ रहा है। भाई बहुत ही गजब, भाई पूरे चित्तौड़गढ़ शहर का व्यू आ रहा है यहाँ से। भाई गजब के नज़ारे, भाई गजब के नज़ारे, मज़ा आ गया भाई जगह देख के। भाई अगर व्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि भाई हम बड़े ही जंगल के अंदर से होते हुए आए हैं ये व्यू आपको दिखाने के लिए। लाइक करो लाइक। ये आ गए हम जी पद्मिनी महल के अंदर, और ये एंट्री है। शायद रूम वूम है, और आगे भी इधर भी रूम खाली रूम्स हैं शायद। ये क्या है भाई, ताला लगा हुआ है, ताली क्या है भाई,
ओ भाई रूम ही रूम है। आ जा इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता। आ जा इधर देखते हैं। ओ इधर वो है गार्डन, गार्डरेन इधर से। नो गॉड, नो गॉड प्लीज नो। विजय स्तंभ भाई, ये है विजय स्तंभ, ये है पूरा विजय स्तंभ। कह रहे हैं भाई यहीं ही इसके पीछे ही जौहर हुआ था। अगर आपने पद्मावती मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि पद्मावती मूवी में वो लास्ट में जौहर करते हैं, वो भी कह रहे हैं इसके पीछे ही है। वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये विजय स्तंभ। कितनी बढ़िया नक्काशी करी है इसके अंदर, डिटेल दिखाता हूँ। डिटेल देखो, गजब की डिटेलिंग दी भाई स्तंभ ने। तो भाई ये कुंभा महल, हम चढ़ रहे हैं कुंभा महल पे। अब अंदर से आपको दिखाते हैं। अगर आप शाम को आइए तो ये सामने आप देख रहे हैं सिटिंग एरिया, तो शाम को यहाँ पे शो होता है, लाइट शो वगैरह यहाँ आपको दिखाया जाता है। स्पीकर वगैरह भी है यहाँ पे, तो यही शो दिखाते हैं और आप जो है यहाँ पे आके शाम को अपना एंजॉय कर सकते हो। तो ये है कुंभा महल, बाकी आइए आप, बढ़िया जगह, आपको मज़ा आएगा। अंदर की तरफ ये है फोर्ट, काफ़ी बार अटैक हुआ है यहाँ चित्तौड़गढ़ में, काफ़ी अलग अलग राजाओं ने अटैक किया है यहाँ, जिसकी वजह से जो कुछ बचा कुचा है यही रह गया। अच्छा नीचे भी हैं खुफिया टाइप, नीचे भी रूम वूम होंगे, लाइट शो होती है, यहाँ हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। वो शाम के टाइम होता है 5:30, तो अभी तो इतना टाइम है नहीं, हम यहाँ पे 5:30 बजे तक बैठे। ऑलरेडी जो है टाइम हो गया है 2:25, हमारा 2 टाइम यहीं 2:25 टाइम हो गया, और हमें उदयपुर भी आज निकलना है, वो भी शाम से पहले पहुँचना है। तो देखते हैं, अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा जल्दी, क्योंकि यहाँ से उदयपुर भी कम से कम आपका 2 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का। तो अभी पहुँचना है अपने को, फिर शाम को देखते हैं अगर टाइम है हमारे पास और रात उदयपुर में, फिर हम कोई लेक वेक, फतेह सागर लेक या पिछोला लेक है, दोनों में से किसी एक लेक पे जाएंगे। धूप तो काफ़ी है भाई गर्मी में। तो भाई हम बस उदयपुर की एंट्री कर रहे हैं, कि बस कितने किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से उदयपुर, उदयपुर यहाँ से दिखा रहा है 9 किलोमीटर रह गया, तो ऑलमोस्ट हम एंटर ही कर रहे हैं उदयपुर। और ये पहाड़ों जैसा दिख रहा है कुछ कुछ, यहाँ एंट्री में थोड़ा सा ट्रक व्रक ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, थोड़ी भीड़ है, पर एंट्री बड़ी सुंदर है इसकी उदयपुर की। नहीं काफ़ी ज़्यादा ग्रीन सी है, जैसे महाराष्ट्र साइड होता है, नहीं पुणे उने उधर आगे। तो भाई ये हमारा स्टे है आज का उदयपुर में, ये आपका हॉल है,
काफ़ी बड़ा हॉल है यहाँ पे, आपका एक सोफ़ा यहाँ है, ये पूरा एक सोफ़ा सेट यहाँ पे है, यहाँ वॉश बेसिन है यहाँ पे, इसके पीछे पिचोला लेक है, अभी तो खैर नहीं दिखेगा क्योंकि रात हो चुकी है। कुछ पेंटिंग है खूबसूरत सी, आइए आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये है इसकी बालकनी, तो ये अगर आप गेट खोलेंगे देखेंगे काफ़ी बड़ी एक बालकनी है, यहाँ पौधे भी हैं, कुर्सी भी लगी हुई है बैठने के लिए, और इधर भी एक छोटा सा वॉश बेसिन है। काफ़ी बड़ी बालकनी है, अच्छा और ये अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ। तो ये तो होगी आपकी बालकनी, ये है पहला रूम, ये थोड़ा छोटा रूम है पर फिर भी काफ़ी स्पेशियस रूम है, ठीक है, नीट एंड क्लीन, एसी भी है, ये वार्डरोब है और ये इसका वॉशरूम है, ठीक है, शावर है इसमें, अच्छा खासा स्पेस है तो ठीक ही है। ये वाला रूम भी अच्छा है, टीवी है, यहाँ एक छोटा सामान रखने के लिए हो गया, ये आपका वार्डरोब हो गया, ये बेड है, तो ये आपका था पहला रूम। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे रूम में, ये है आपका दूसरा रूम और ये रूम थोड़ा बड़ा है उस वाले रूम से, और यहाँ पे भी एक सोफ़ा है, वार्डरोब है, यहाँ थोड़ा एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे एक आपको एक स्टडी टेबल भी अलग से मिल जाता है, ठीक है, अभी तो यहाँ कपड़े सूख रहे हैं। और ये है आपका दूसरा रूम, इसका वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा सा है, आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा वॉशरूम है इसका, ये वाला रूम इसका वॉशरूम अच्छा है, ठीक है। और ये है आपका डाइनिंग एरिया, तो बस कुल मिला के ये है आज का हमारा पहले दिन का स्टे, बताइए कैसा लगा आपको।